नमस्कार। पिछला वीडियो आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर या प्रशिक्षण अधिकारी के पदों के बारे में जानकारी लेके आऊंगा अगले वीडियो में, तो ये मैं वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे रियल टाइम में आपको नोटिफिकेशन आते रहें। सब्सक्राइब करने से क्या है, हम लेटेस्ट और भी जानकारियां आप तक सही से पहुंचा सकते हैं, आप लेट नहीं होते हैं वो जानकारी को प्राप्त करने में। तो हम सीधा अपने ट्रेनिंग ऑफिसर से रिलेटेड में आपको सबसे पहले ये भ्रांति है कि जो पिछला 2016 का एग्जाम हुआ है उस टाइप से एग्जाम इस बार नहीं होगा जो एग्जाम होने वाला है 2021 में, तो आप उसको समझ लीजिए। और अभी नोटिफिकेशन क्यों हटा लिया गया है उसका भी मैं बताऊंगा आपको कारण कि क्या वजह हुई उसको हटाने के पीछे, क्योंकि वैकेंसी अगर निकाली गई है दूसरी वैकेंसी तो ये वैकेंसी भी डेफिनेटली निकलेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। आप देखिए ये हमारी वेबसाइट है, हमने कहाँ गए, सबसे पहले इसकी वेबसाइट हमने पीईबी की वेबसाइट pb.mp.gov.in पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने से हमारा ये होम पेज खुला हुआ है। होम पेज में आप देखिए तो आप देखेंगे कि ये जो टेंटेटिव डेट्स इनने सब डाली हुई है, कृषि कल्याण विभाग रिक्रूटमेंट तक डाली हुई है। अब मैं आपको ये ले चलता हूँ कि ट्रेनिंग ऑफिसर के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, या दूसरे एग्जाम में जैसे पटवारी की तैयारी भी लोग कर रहे हैं इनमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं इस बार, स्टेनोग्राफर या स्टेनो हिंदी स्टेनो टाइपिस्ट इनके भी जो एग्जाम है, साइक ग्रेड 3 है और भी अनुदेशक हैं, इन टाइप के जो एग्जाम होने वाले हैं इनमें भी क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि इनको एक ग्रुपिंग में डाल दिया है तो वो हम सबसे पहले देखिएगा आप। मैं आपको ले चलता हूँ, ये पीडीएफ फाइल है। और जीएडी ऑर्डर का मतलब आप समझ लीजिए, ये जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है ये जीएडी ऑर्डर, आप इसको समझ लीजिए, ये आपको समझना जरूरी है। देखिएगा ये आप 11 अगस्त 2017 में निकला है ये जीएडी ऑर्डर। जीएडी ऑर्डर क्या होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या जिसको हिंदी डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसको सामान्य प्रशासन विभाग बोलते हैं, सॉरी मैंने जनसंपर्क बोला, सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग पूरे के जो एग्जाम है इन पे पूरा जो नोटिफिकेशन जारी करना है, कुछ चेंजेज होना है, उसी के माध्यम से गवर्नमेंट हम तक पहुंचाती है। सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मेरा कर्सर दिख रहा है, आप कर्सर देखिए लैपटॉप स्क्रीन पर, कर्सर जहाँ है क्या लिखा है, जीएडी ऑर्डर 11 अगस्त 2017, ये लेटेस्ट ऑर्डर है, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। देखिएगा अब हम आते हैं सीधा प्रशिक्षण अधिकारी पे। ये मेरा आप देख पा रहे हैं ये टैब खुला हुआ है। अब आप यहाँ देखिए पूरा, मैं आपको देखिएगा पहले पेज से नहीं ले जा रहा हूँ, पहले जो मैंने वादा किया था उसको पूरा करूंगा कि क्या परमानेंट वैकेंसी में। तो आप ये देखिए कौन सा ग्रुप में रख दिया है ट्रेनिंग ऑफिसर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को, समूह चार 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल। मीन्स ये इस ग्रुप को आप समझिए, ये जो ग्रुप है ये इसको आप समझिए, समूह चार हायर सेकेंडरी, ये तृतीय श्रेणी के जितने भी पद थे उनको समूह चार में डाल दिया है। पहले क्या हो रहा था, आईटीआई के जो प्रशिक्षण अधिकारी होते थे इनका हमारा विभाग अलग से रिक्वायरमेंट भेजता था तो उसका एक सेपरेट एग्जाम होता था, लेकिन अभी होगा वो भी सेपरेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस तरह के एग्जामों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप को आप देखिए, ये इस ग्रुप में क्या क्या है आप देखिएगा, यहाँ क्या क्या है इसमें, साइक ग्रेड 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, आईटी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर ये लिखा है औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, ये देखिए आप ये लिखा है, ये आप पूरा देखिए यहां से, ये देख पा रहे हैं आप, प्रशिक्षण अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य समकक्ष पक्ष, ये देखा समकक्ष पद ये देख लिया आपने, तो ये ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए ये कहाँ पर है, ये हमारा है, निज सचिव है, कैशियर है, प्रशिक्षण अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं समकक्ष पद।
अब आप एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो चल रहा है लोगों के बीच में, मैं उसी की बात करता हूँ। अभी क्या कंफ्यूजन चल रहा है कि इसका जो है एग्जाम कैसा होगा। 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टेक्निकल पार्ट्स भी था, मींस 25 का जनरल पार्ट था और हर एक ट्रेड के लिए 75% जो या 75 क्वेश्चन थे उस ट्रेड से रिलेटेड थे या ब्रांच से रिलेटेड थे। सपोज मैकेनिकल के थे, कंप्यूटर साइंस के थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे, या इस टाइप से क्वेश्चन का जो पैटर्न था, या आईटीआई में बात करें फिटर और टर्नर, ये जो मैकेनिकल ट्रेड थे इनका 75% टेक्निकल पूछा गया था, 25% आपका सामान्य चीजें पूछी गई थी, जनरल नॉलेज कंप्यूटर ये पूछा गया था। लेकिन दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सतर्क रहिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार क्या पूछा जाना है आप देख लीजिए, मैं यहाँ से आपको बता दूं क्या होगा। एक ही पेपर होगा। ये किस तरह का पेपर होने जा रहा है, 2013 में जो एग्जाम हुआ था प्रशिक्षण अधिकारी का, ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसी बेस पे रहेगा। मींस इस ये पेपर कॉमन पेपर होगा हर एक ट्रेड का, हर एक मींस कोई भी ग्रे उसके पास क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करा हुआ हो, चाहे कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन वाला कोई भी हो, वो सभी के लिए कॉमन पेपर होगा और उसकी चॉइस फिलिंग के बेस पर उसकी मेरिट या सिलेक्शन जो लिस्ट आएगी वो आएगी। उसमें क्या क्या पूछा जाना है आप ये और समझ लीजिए। इनमें जो पूछने का तरीका है, 10+2 का लेवल है, तो 10+2 से आप ये देखिए, 10+2 के जो एग्जाम का लेवल है, जैसे ये पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि सामान्य अंग्रेजी का भी आपको समझ लीजिए, अभी तक जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर की परीक्षाएं हुई हैं या ये जो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जो इस सेक्शन में दी हुई हैं, इनमें इंग्लिश नहीं पूछा गया था, ज्यादा लेवल का नहीं, बहुत कम पूछा गया था। तो अभी क्या पूछा जाना है, इनमें हो सकता है कुछ में पूछा गया हो आईटी ऑपरेटर, या अभी जो लेटेस्ट में किसी एक आज में पूछ लिया गया हो, जहां तक मुझे पता है कि अंग्रेजी किसी में नहीं पूछा गया था। तो इस बार क्या पूछा जाना है, इंग्लिश पूछा जाना है। अब आप ये देखिए क्या क्या आना है परीक्षा में, 100 नंबर का पेपर होगा और उसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य अंग्रेजी रहेगी, सामान्य गणित रहेगा। क्या क्या रहेगा देखिएगा, ये नई चीज आई है यार, ये सामान अंग्रेजी पूछी जाएगी, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य अभिरुचि या जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं सामान्य अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो अब आप इनको डिवाइड कर लीजिए, 6 चीजें हैं, हो सकता है सामान्य ज्ञान 25 का हो, सामान्य हिंदी अंग्रेजी 25 हो, सामान्य गणित और अभिरुचि 25 हो, और कंप्यूटर 25 हो, इस टाइप से 25-25 में बटा था पेपर, या फिर कैसे भी डिवाइड आप कर लीजिए। मीन्स आना ये 6 चीजों से है, किसी हो सकता है कंप्यूटर से 10 ही क्वेश्चन हो, गणित अभिरुचि से 30 क्वेश्चन आ जाए, या अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन हो, हिंदी के 15 क्वेश्चन आ जाए, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आ जाए, 30 क्वेश्चन आ जाए। मीन्स आना अल्टीमेटली इनमें से ही है। ये अभी एक्चुअल में हम सेक्शन में नहीं डिवाइड कर सकते किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आना है, लेकिन ये आप क्लियर हो गई आपको कि ये जो, अब आप देखिए यहाँ पर एक और चीज देख पाइए, पटवारी के लिए भी इन्होंने क्या कर दिया है, ग्रेजुएशन की बाध्यता समाप्त कर दिया, पटवारी 12वीं पास भी पटवारी बन सकता है। और एक और चीज किसके लिए, जो स्टेनोटाइपिस्ट और आंसू लिपिक थे, स्टेनोग्राफर की जो जॉब थी, स्टेनोग्राफर जो थे, आंसू लिपिक थे, शीघ्र लेखक थे, इनके लिए भी उन्होंने ग्रेजुएशन की बाध्यता खत्म कर दी है। मीन्स अब इनके लिए अगर 12वीं पास करने के अलावा इनके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं नीचे बता देता हूँ, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और सीपीसीटी पास होना चाहिए, बस। अभी ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं है, ना तो पटवारी में जरूरत है, और बाकी जितने ये पद हैं अगर इन पदों में किसी में भी ग्रेजुएशन पहले मांगते थे तो वो ग्रेजुएशन अब हमको नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इनमें योग्यताएं और देखिए आप, अभी मैं योग्यताएं बता देता हूँ, योग्यताएं और देखिए, योग्यता क्या क्या मांगी है इनने वो और हम बात कर लें। देखिए अभी योग्यता क्या क्या मांगी है, देखिए आप यहां से देखिए, अब मैं हम यहां से बात करते हैं। देखिए अभी योग्यता ये है, इन्होंने क्या बोला है आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर पदों पत्रोपाधि, पत्रोपाधि का मतलब होता है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर, प्रमाण पत्र मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 वर्षीय, कोपा है, डीसी पीजी डीसी इस टाइप से 1 वर्षीय, या उसके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा बीसीए बीएससी ये भी 4 मान्य होंगे, और साथ ही ये
30 शब्द प्रति मिनट की उसकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो इसमें ये 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग का मतलब क्या है कि आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए, शीघ्र लेखक के लिए। किसके लिए होना चाहिए ये? शीघ्र लेखन परीक्षा जो है उसके लिए क्या बोला है, 100 बार। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए वही है आपका, 80 वर्ड होना चाहिए। ये आपको समझ जॉब 23 के अलावा आप देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर या साइक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक के इसी प्रकार पदों के लिए क्या होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए। कंप्यूटर का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा तो उनको ऊपर बोल दिया है, वो होना चाहिए। इसके अलावा सीपीसीटी का वैलिड स्कोर, अब सीपीसीटी का वैलिड स्कोर क्या होता है, उसके कंप्यूटर पार्ट में 30 शब्द किसमें होना चाहिए, 30 शब्द, और हिंदी में कितना होना चाहिए, 20 शब्द प्रति मिनट की दर से आपने सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें 30 शब्द या 20 शब्द का होना चाहिए पासिंग। अब इंग्लिश का, जहां इंग्लिश मांगेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है जिसमें खाली हिंदी टाइपिंग मांगेंगे उसमें बस 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इंग्लिश में जहां मान्य नहीं होगा तो आप ये भी मत सोचिए दोनों चीजें हो या नहीं हो, दोनों में से एक चीज भी हो सकती है। तो अभी आप ये देख लीजिए, और लास्ट में क्या बोला है, बाकी कुछ पद दो आईटीआई से रिलेटेड थे, 12वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। तो ये आखिरी में आपको आईटीआई भी दिख गया, देखिए ये आपको आईटीआई भी दिख पा रहा है इधर से, ये आईटीआई होना चाहिए, ये आप अनुरेखक और ये सब डॉटमैन वगैरह है इसके लिए आईटीआई पास। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं आईटीआई में, उनको उनके लिए भी क्या योग्यता कर दी है इनने अभी। अब आप देख लीजिए एक बार फिर से, क्या योग्यता कर दी है, 10+2 और प्लस आईटीआई होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट या मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कॉमन पैटर्न हो गया है, इस अधिकतर ये चीजें हर एक एग्जामों में आती हैं और इसकी आपको तैयारी करनी है। तो आप ये योग्यताएं ध्यान रखिए, मैंने 3 बातें बताई आपको। प्रशिक्षण अधिकारी के लिए इन्होंने कॉमन पेपर होने वाला है, वो कॉमन पेपर मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए आप, कॉमन पेपर होगा तो ये आप देख लीजिए क्या क्या आने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा और ये आपकी सारे पद हैं। और ग्रेजुएशन की बाध्यता समाप्त कर दी है स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, और बाकी ये क्वालिफिकेशन आप देख ही पा रहे हैं। पटवारी के लिए भी अभी ग्रेजुएशन उनने खत्म कर दिया है। तो आप ये अच्छे से समझ लें कि आप तैयारी कैसे करनी है। ये ग्रुप था और ये कौन से ग्रुप में होगी परीक्षा, तो ये आप ध्यान रखें, समूह 4 हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रुप 4 होगा, इसमें आपकी परीक्षा होगी। आगे की वीडियो में हम और इसी तरह की जानकारियां लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो और भी परीक्षाएं होने वाली हैं जिनमें क्या रहता है, ये जो मेन जो चेंजेज आते हैं एग्जाम, बहुत सारे जगह अभी प्रशिक्षण अधिकारी की वीडियो डली हुई, उन्होंने ये बोला है कि इसमें फिटर की कैसे तैयारी करें, इसकी कैसे तैयारी करें। तो अब ऐसा कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तैयारी आपको क्या करना है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, और कैसे पेपर पूछे गए हैं या कैसे पेपर आएंगे इसमें, और भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जानकारी सही समय पर पहुंचेगी, और सही जानकारी, सटीक जानकारी लिखिए, हम ऑथेंटिकेट जानकारी लेके आते हैं हर वीडियो में। कोई भी हमारा ऐसा नहीं है कि कोई वायरल करने का है या आपसे हम बोले सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सही जानकारी। बहुत सारे लोग हो सकता है अभी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी पुराने जो 2016 के हिसाब से कर रहे हो, तो वो तो वेस्टेज हो गया ना उनकी मेहनत। इसलिए इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और हमारे जो वीडियोज हैं आपके दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत